बद्रवास में मंगलवार की दोपहर अवैध फटाका फैक्ट्री में हुए विस्फोट के साथ धमाके की तेज गूंज के साथ आसपास के कई मकान तो हिल तक गए। इस अवैध फटाका फैक्ट्री से चंद कदम की दूरी पर स्थित SBI बैंक के कर्मचारी और ग्राहक को बैंक से बाहर आके खड़े होना पड़ा। पहले बड़े विस्फोट के बाद दो और बड़े धमाके फैक्ट्री में हुए। इसके अलावा रुक रुक कर करीब एक घंटे तक यहाँ धमाकों की आवाज आती रही, इसके कारण रेस्क्यू भी प्रभावित होता रहा। यहाँ बताना होगा कि इस अवैध फैक्ट्री में यह पहला विस्फोट नहीं है। इससे पहले करीब दो दशक के अंतराल में इस फटाका फैक्ट्री में दो बड़े विस्फोट हो चुके हैं। करीब 25 साल पहले हुए एक हादसे में यहां 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद करीब 15 साल पहले एक और हादसा हुआ जिसमें एक और मौत हो गई। इन हादसों के बाद भी पैसों की भूख के चलते ये पूरा परिवार बारूद के ढेर पर रह रहा था और इस अवैध फैक्ट्री का संचालन रिहायशी बस्ती में कर रहा था। मामले को लेकर पुलिस ने मोहम्मद सैन उर्फ बबलू पुत्र सुभान खान मंसूरी निवासी बद्रवास पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। कल एक पूरे जिले भर में जो लोग घनी आबादी में पटाखा बेचते हैं या भंडारण करते हैं या बनाते हैं, उनके लिए पूरे थाना प्रभारियों को निर्देशित करके कार्रवाई की गई थी। जितने पटाखा व्यवसायी हैं उनके गोडाउन और उनके दुकानें और उनके घर, उनको चेक किया गया था, जिसमें कल 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थाना खनिया थाना में अवैध रूप से फटाका बेचते हुए घनी आबादी में, और इसके अलावा बाकी सारे गोडाउन वगैरह चेक किए गए हैं। आज इनकी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी और इस कार्रवाई को लगातार जारी रखा जाएगा ताकि कोई घनी आबादी में जिस तरह से भद्रवास में घटना हुई उस तरह की घटना ना हो। भद्रवास में अभी सुबह तक 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। कल 2 पहले डेथ हो गई थी, जिसमें एक तबस्सुम थी और एक उमेरा थी, और उसके बाद में एक शिवम करके लड़का और एक कल्ला, इनकी डेथ हुई। तो 4 लोगों की डेथ हुई है। अभी 5 घायल जो हैं इंदौर में चोइथराम अस्पताल में भर्ती इलाज करवा रहे हैं और एक बच्चा जो है गुना में भर्ती जिला चिकित्सालय में।